हाँ जी, तो वेलकम टू एबीसी एक्सपेरिमेंट्स। सो गाइज, वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। सो गाइज, आज है मेरे पास दुनिया के सबसे तेज ब्लेडों में से एक ब्लेड। जी हाँ दोस्तों, स्टेराइल सर्जिकल ब्लेड। जी हाँ दोस्तों, इस ब्लेड का यूज़ जो है वो सर्जरी के उसमें यूज़ होता है। जब आप सबको पता होगा या कभी ना कभी आप सबके टाके तो लगे ही होंगे। सो डॉक्टर जब कट लगाता है या चीरा लगाता है तो जब जिस चीज़ से वो काटता है गाइज, ये है वो वाला ब्लेड। और आपको पता होगा कि ये ब्लेड कितना ज़्यादा खतरनाक है। और ये ब्लेड मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये में मेडिकल स्टोर से खरीदा है। इतना सस्ता ब्लेड और इतना खतरनाक। तो इसी का आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा तेज होने वाला है। सो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, मेरे कहने पे देखिएगा, क्योंकि मैं इसको ऐसी ऐसी चीज़ें काटूंगा जिसको आप देख के भी कहेंगे यार क्या काट रहा है इस चीज़ों को। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही साइंस है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश ना करें। तो गाइस, ये रहा मेरे पास स्टेराइल का सर्जिकल ब्लेड। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। चलिए देखते हैं ओपन करने के बाद क्या निकलता है। तो ये है स्टेराइल सर्जिकल ब्लेड, इसको यहाँ खोल के देखते हैं। गाइस देख सकते हैं आप, सिर्फ इतना सा ब्लेड है गाइस। ये देखिए कितना सा ब्लेड है, आप देख सकते हैं। मैं इसको अपनी उंगली के बराबर रख के देखता हूँ यहाँ पे। तो सिर्फ ये जो उंगली के दो होते हैं बॉक्स, इन्हीं के बराबर का ब्लेड है। और ये इसकी पट्टी है जिससे ये जो इसका ये होता है ये कटे ना या किसी के ये बाहर ना निकले। तो इतना सा ये ब्लेड है गाइस, आप देख सकते हैं। अब इसी का हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। चलिए काट के देखते हैं। सो गाइस, जिस पैकेट से मैंने इसको निकाला है, सबसे पहले इस ब्लेड से इसी पैकेट को काट के देखते हैं। तो ये कट पाता नहीं, ये देखते हैं। तो गाइस देखिए, मतलब ये जो गाइस ये पेपर है ये वाला, ये नहीं कट रहा है, ये वाला जो ये है ये कट जा रहा है। देखते हैं, अब यहाँ ये जो ये वाला है ना, इसको नहीं काटूंगा। अब देखिएगा, इसको नहीं काटूंगा मैं। इतना ज़्यादा खतरनाक है कि ये सिल्वर एल्युमिनियम फॉइल ये काट दिए इसने। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक है। अब सो गाइस, अब है मेरे पास ये ख़राब सी A4 शीट है। इस पर मैंने थोड़ी सी कलाकारी दिखा रखी थी पर वो बनी नहीं। तो इस छोटे से नन्हे से ब्लेड से इससे काट के देखते हैं। चलिए देखते हैं। गाइज देख सकते हैं कितना ज़्यादा, मतलब हद हो गई है। हाँ, मेरे को पता है कि नॉर्मल जो ब्लेड होता है वो भी हमारा कागज़ को काट देता है, लेकिन आप ये चीज़ सोचिए कि इसने इस तक को काट दिया है। गाइज ये एल्युमिनियम फॉइल है। अब इसको मैं एक और बार आपको काट के दिखाता हूँ, देखिए कितने सिंपल और कितने मुलायम तरीके से काट रहा है। अब इसमें ऐसे करके एक चीरा लगा के देखते हैं, जैसे डॉक्टर हमारे चीरा लगाते हैं ऐसे करके। घरेलू चीजें लेके आते हैं गाइज। ये है मेरे पास टमाटर। आप सोच रहे होंगे टमाटर काटेंगे, अब इस ब्लेड से टमाटर काट के देखते हैं कि कटता नहीं कटता है। सबसे पहले गाइस ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये देखिए टमाटर भी इसने काट दिया है पूरा, ये देखिए। सो गाइस ये देख सकते हैं टमाटर देखिए काट दिया है पूरा। छुट्टू से ब्लेड ने टमाटर किया। अगर मैं इससे अपनी उंगली काटूंगा ना तो गाइस बहुत, मतलब इतने प्यार से उंगली कटेगी ना, आप सोचेंगे मैंने। तो इतनी ज़्यादा खतरनाक ब्लेड है।
सो गाइस देखा आपने कितना ज़्यादा ये छुटकू सा नन्ना सा कितना खतरनाक ब्लेड है। इसने इस टमाटर को, एल्युमिनियम फॉइल को, इसका खुद का रैपर तक इसने काट दिया और ये कागज को, इस कागज सबको काट चुका है। सो इतना ज़्यादा ही खतरनाक ब्लेड है ये। ब्लेड आपको तो वैसे नहीं मिलेगा किसी भी मेडिकल स्टोर पे, आपको वो नहीं देंगे। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा या डॉक्टर आपको बोलेगा इसको लाने को, तब वो आपको दे देंगे। मुझे मेडिकल स्टोर वाले ने इसलिए दिया क्योंकि मेरा एक एक्सपेरिमेंट चैनल है और मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं इसका कोई गलत यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। अगर किसी की गलती से भी किसी के हाथ में आ गया तो गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे इतने से ही करने से उंगली आराम से कट जाएगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो घंटी है उसे भी दबा देना। और गाइस कमेंट में बताओ कि मैं और कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट आपको दिखा सकता हूँ। जैसे एक भाई ने मुझे कमेंट करके अभी बोला था कि भाई मोम होती है, मोम को पिघलाओ और उसमें पानी डालो, तब देखते हैं क्या होता है, मतलब उबलती हुई मोम के अंदर पानी। तो भाई तुम्हारे लिए वो एक्सपेरिमेंट जल्दी से जल्दी मैं लाने की कोशिश करूंगा, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उस एक्सपेरिमेंट को बनाऊंगा। तो आप भी मुझे बताओ, मैं भी आपकी उन्हीं कमेंट्स को देख के वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक कर दो। जब तक के लिए बाय बाय एंड जय।